देखिए मुझे काउंटर टिकट की बोर्डिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पर देखिए मैं काउंटर टिकट की बोर्डिंग कैसे चेंज कर सकता हूँ। ये बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है, पीएनआर नंबर लिखा, ट्रेन नंबर लिखा, कैप्चा कोड डाल दिया, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, ओटीपी आएगा जिस नंबर से मैं टिकट बुक किया हूँ, मतलब टिकट बुक करते समय जो नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आएगा यहाँ पर, उस ओटीपी को मैं डालूंगा तो बोर्डिंग चेंज का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं वेट करता हूँ ओटीपी का थोड़ी देर। ठीक है, फिर मैं ओटीपी डाल के मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो मुझे ऑप्शन देगा कहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 2 लोगों का कंफर्म टिकट है ये पुष्पक एक्सप्रेस में, सीएसएमटी से भुसावल है, और मुझे ये सेकंड एसी का है, मुझे ये कल्याण बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है। तो यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट का ऑप्शन आएंगे, कल्याण इगतपुरी नासिक रोड मनमाड़, कल्याण जंक्शन कर रहा हूँ मैं, दोनों का बोर्डिंग पॉइंट कल्याण कर देता हूँ, और सिर्फ एक का कर देता हूँ मैं कल्याण, जैसे कि ये मिथिलेश है, मिथिलेश क्या दोनों का होगा एक साथ, दोनों का ही होगा कल्याण बोर्डिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों का कल्याण कर देता हूँ। डू यू वांट टू चेंज बोर्डिंग पॉइंट? ओके, तो देखिए बोर्डिंग पॉइंट हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। तो बोर्डिंग पॉइंट इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन भी, आपके पास में ऑफलाइन वाला टिकट है तब भी, क्योंकि ये टिकट जो है मेरे पास में ऑफलाइन वाला टिकट है, ऑफलाइन वाला टिकट है ये विंडो वाला टिकट, इसके थ्रू मैंने ये बोर्डिंग पॉइंट चेंज किया है। तो इस तरीके से आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो किसी से करवा सकते हैं, जिसके पास IRCTC का एजेंट ID है उससे आप करवा सकते हैं।